श्रेणी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2018 का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी के लिए जिसका कोड 09 होगा, ये लेक्चर दूसरा होगा क्योंकि गद पद है इसका सिलेबस में। तो ये कविता की परख दूसरा जो है आपका, आप देखिएगा गद पद में, तो दूसरा जो होगा वो कविता के परख है गद खंड में। ये 11th क्लास से लिया गया है। तो कविता के परख क्या है, कविता किस लिए, कविता की आखिर उपयोग किस लिए है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखा गया है कविता के परख। ये शीर्षक का नाम है, एक निबंध है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कविता के परख हिंदी साहित्य के आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक निबंध है। मतलब ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि एक निबंध है जिस पर कविता की परख, कविता कैसी होनी चाहिए, कविता पढ़ने से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य चिंतक आचार्य शुक्ल देव ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कविता को वह साधना माना है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रंगात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। मतलब कि जो सृष्टि के साथ जो संबंध है मनुष्य का, वो कैसा है, किस तरह का होता है, कैसे लोग दुख में पड़ जाते हैं, दुख से अगर निकलना है तो किस प्रकार की कविता, क्या आनंद मिलता है कविता में, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है इस कविता में। मुख्यतः कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि अर्थात रूप से अनुभव करने में अव्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की देखिए कहने के इसका मतलब कि अगर आपको कभी कभी लगता है कि कोई दुख हुआ है, आपको कोई चोट पहुंची है दिल में, तो अगर अच्छे से आप कविता, कोई अच्छा कविता जो उसे आपको जो अच्छा लगता हो उसे अच्छे से सुन लेते हैं, जैसे अभी लोग क्या करते हैं, गाना सुन लेते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं। तो इसी ने कहने का मतलब है कि कविता जो है ना सृष्टि को मनुष्य से जोड़ता है, कैसे उसका गाना, कैसे उसके सृष्टि से उसका अवतार हुआ और अंत में सृष्टि में ही मिल जाना है। यहाँ पर देखिए, कविता सृष्टि संदर्भ का अनुभवी कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं के अनुरूप और कुसिक्त वस्तुओं के विरक्त कराती है। मतलब कि क्या है कि कविता के माध्यम से आपको सुंदर वस्तु के साथ तो रिलेशन बनेगा, लेकिन जो खराब वस्तु है, खराब लोग हैं, उनके साथ क्या होगा, आपका विरक्त होगा, मतलब कि दूरी बढ़ने लगती है कविता के माध्यम से। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत निबंध किताबों से उठाकर हमारे जीवन में आचार और सहभागिता चाहता है। आचार्य शुक्ल देव क्या कहते हैं कि निबंध से आप कविता पर जो निबंध लिखे हैं उसके उठाकर आपके जीवन में रखें और बताएं कि कविता के क्या उपयोग है आपके जीवन में। यह निबंध कविता के संबंध में लेखक की सारगभृत ज्ञान का दुर्लभ उदाहरण है, ठीक। अब निबंध का सारांश क्या होता है, सारांश ही क्वेश्चन आते हैं, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारांश ही आएगा। मान लीजिए इतना क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या कर देगा कि क्वेश्चन में इतना पैराग्राफ करके दे दिया हिंदी में, अब इसी में से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक, कि ये जो शीर्षक लिखा गया है ये क्या है, इसका शीर्षक क्या होगा। तो आप लिखिएगा कि कविता की परख, उसमें ऑप्शन रहेगा कविता के परख, भारत, दुर्दशा, अलग अलग नाम रहेंगे, तो उसमें से आप लगाइएगा कविता के परख। पूछ देगा कि कविता के परख किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य शुक्ल देव द्वारा लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। कविता वह साधना है जिसके भीतर प्रेम, हास्य, सुख दुख, आनंद, कलेश आदि अर्थार्थ रूप में चित्रित होता है। जिस पद में प्रेम, आनंद, करुणा आदि भावों का समावेश ना हो वह कविता नहीं कहलाता है। मतलब कविता क्या कहलाता है, इनके अनुसार कविता क्या कहलाता है, पूछ सकता है कि अगर देखिए यही दे दिया पैराग्राफ में, और दे दिया कि आचार्य शुक्ल देव के अनुसार कविता क्या कहलाता है, तो कविता वह कहलाता है जिस पद में प्रेम हो, आनंद हो, करुणा हो आदि भाव का, यहाँ पर देखिए प्रेम, आनंद, करुणा आदि भाव का समावेश न हो वह कविता नहीं कहलाता है। तो कविता कहलाता किसका है, तो ये जो समावेश हो वह कविता कहलाता है, अगर ये नहीं रहे वहां पर तो ये कविता नहीं कहलाता है कविता में, ठीक। कविता के लिए रूप और व्यवहार हमारे मन में संसात करता है, जो योजना हम मन में धारण करते हैं कल्पना कहलाती है। कल्पना शक्ति के बिना कविता अधूरी या ये पूरा ही नहीं होती है। जब तक आप कल्पना नहीं कीजिएगा, जो भी आविष्कार हुआ है अभी तक, जो भी बात आता है सामने आपको पहले निकल कर, वो कल्पना ही है आपका, कल्पना, सोच, ये सबके कारण ही होता है। कविता में संदर्भ, श्रृंगार, दारुण दृश्य आदि का भाव जगाना आवश्यक है। श्रृंगार रस आपको हुआ, संदर्भ, दृश्य, दारुण, मतलब कि कैसे आपको कविता के माध्यम से आपको बताया जाता है। राम वन गमन के वर्णन अथवा श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के वर्णन करुणा और संदर्भ भाव को परलक्षित होता है। कहीं भी देखिएगा कि क्या होता है जब राम वनवास जाते हैं या राम अपने घर को छोड़कर जाते हैं, या कृष्ण के अंग प्रत्यंग के जैसे जो वर्णन किया जाता है, करुणा का, उनके प्यार का, उन्हें माता के साथ संबंध का, ठीक, वो क्या है, करुणा और संदर्भ का एक भाव ही परलक्षित करता है कविता के माध्यम से। कविता के लिए कवि उपमा अलंकार का भी सहारा लिया करता है। ओवरऑल इसमें कहने का मतलब है कि कविता किस तरह से लिखा जाता है, कविता में क्या रहना चाहिए, कविता में जो नहीं रहता है, कि अगर वो नहीं रहता है तो उसे कविता आप जीवित कविता नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो कविता के लिए उपमा अलंकार भी सहारा लिया करते हैं, जैसे मुख को चंद्रमा या कमल के समान,
ठीक क्या बोल रहे हैं यहाँ, मुख को चंद्रमा या कमल के समान, नेत्रों को मीन खंजन कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी की तुलना सूर्य के समान, कायर की कायर को श्रृंगाल के समान, वीर और परक्रमी को सिंह से करते हैं। क्या है ये तुलना करते हैं, जैसे वीर और परक्रमी को बोलते हैं ना कि सिंह है, क्या मतलब शेर के समान है। ठीक कायर को क्या बोलते हैं, कायर को आप सियार की तरह आप बोलते हैं कि ये तो सियार है, सियार को बोलते हैं जैसे कि जब जेकोल को आप सियार बोला जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो कायरता दिखाते हैं, तो सियार लोग बोलते हैं। नेत्रों को मीन के जैसे, नेत्र ऐसे आप देखते हैं कभी कभी। ठीक मुख को चंद्रमा के कमल के समान जैसे दिखाया जाता है। ठीक तो ऐसे कर वीरता आपको आपका करुणा सब प्रस्तुत किया जाता है कविता के माध्यम से। ठीक वास्तव में इस उद्देश्य का वर्णित वस्तु के सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, विषमता, वीरता, कायरता आदि की भावना को तीव्र करना ना कि किसी वस्तु की परिगणना करना है। मतलब कहने का इसका क्या मतलब कि कौन सबसे ज्ञानी है, कौन परक्रमी है, कौन कायर है, ये सब का माध्यम क्या है, कविता ही है। कविता के माध्यम से कैसे उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जिसने हारमोनियम बाजार ना देखा हो, जिसने कभी जिसने क्या देखा है, हारमोनियम के बाजार ना देखा हो, उसे कहना वह संदूक के समान होता है। आप हारमोनियम बजाते हुए किसी को देखे होंगे, वो संदूक में ऐसे रखा रहता है, संदूक के समान होता है, तो वो कभी हारमोनियम देखा ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा कि ये तो संदूक के समान है, संदूक है, एक बक्सा है। ऐसी समानता उपमा के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसी जो समानता होता है उपमा के अंतर्गत नहीं आती। उपमा सुंदर और सटीक हो इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि वर्ण को वस्तु के संबंध में वही भावना अधिक परिमाण में हो। क्या है कि उपमा अलंकार तभी यूज किया जाता है, उपमा तभी जब उसका वर्णन किया जाए और वो सही और सटीक हो। ठीक भद्दी उपमा से सौंदर्य की भावना नहीं जगती है, अगर भद्दी उपमा अगर उपमा अलंकार से सौंदर्य की भावना जगाए तो नहीं जगती है। जैसे कोई कभी आंख की उपमा बादाम या आम की फांक से करता है तो संदर्भ की भावना नहीं जगती। आंख की किसी भी कहते हैं ना कि आंख आपके मोरनी की जैसी है, आप आंख आपकी आम के जो गुठली होता है उसका एक फाड़ी होता है उसके जैसा है, तो ऐसे क्या होता है, अब ये आंख की आपको आंख बताने की एक तरीका है। ठीक तो वैसे ही कह रहा है कि संदर्भ की भावना, अब आंख जब आप बता रहे हैं तो वो आंख की भावना है ना कि वो संदर्भ की भावना है। ठीक लेकिन ठीक इसके विलोम आंख की उपमा कमल दल के करने पर मुनहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना स्वतः परिलक्षित हो जाती है। आप कहेंगे कि इनकी किसके समान है इनकी जो, लेकिन ठीक इसके विलोम आंख की उपमा केवल कमल दल, कमल दल आप देखेंगे कमल दल के समान, आप कहिएगा कमल की तरह, कमल की पंखुड़ी की तरह, तो आप तुरंत बोलिएगा कि तो वो काफी सुंदर भी होगी या होगी, वो काफी सुंदर भी होगी जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है यहाँ पर देखिए कविता में प्रेम, शोक, वरुणा, आचार, भय, उत्साह इत्यादि भावों को कवि पात्रों के माध्यम से कहलाते हैं। ठीक इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं ताकि भावों को पूर्ण रूप से व्यंजना हो सके। वाणी द्वारा मनुष्य के क्रोध, आश्चर्य और उत्साह के भावों को कवियों को गहरी परख होती है। स्वयं श्री राम शोक के वेग में विवेक होकर कहते हैं जो जनतेउ बन बंधु बिछेहु, पिता वचन मैंने तेहु नहीं ओहो। मतलब कि इसका कहने का मतलब कि ये जो अपने करुणा रस अपने जो बिछड़ रहे थे उस समय ये अपने राम जी बोले थे और बहुत भाव प्रकट होकर अपने विवेक से बोले थे। इस कथन को काव्य के सिद्धांत से अनभिज्ञ व्यक्ति राम के चरित्र में दोष समझेंगे, परंतु हृदय और मर्मर्ग व्यक्ति इसको शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। लेकिन जो अगर क्या है दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे यार ये क्या लिखा हुआ है, चरित्र पर उन लोगों का लगा देंगे कोई ना कोई कलंक लगा देंगे। लेकिन अगर ये कवि सुनेंगे, कविता सुनने वाले देखेंगे पढ़ेंगे तो वो इस भाव को, इस जो शोक हो उसे आसानी से समझ लेंगे। कवि की निपुणता पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने से ही परिलक्षित होता है। अब जब तक कवि के मुंह से आप कविता नहीं सुनिएगा, उसका भाव नहीं सुनिएगा, तब से आपको उसके बारे में क्या कहना चाहता है नहीं समझ में आएगा। रामचरितमानस में भी राम लक्ष्मण दोनों क्रोध प्रकट करते हैं, राम संचय और गंभीरता के साथ जबकि लक्ष्मण अधीरता और उग्रता के साथ। क्रोध तो दोनों प्रकट करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, राम गंभीरता के साथ सोच के संयम से करते हैं लेकिन वहीं लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अधीरता और उग्रता के साथ जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। आप रामायण में देखे होंगे उत्साह आदि भाव में ही यही बात समाहित होती है, जो भी बात उत्साह है, खुशी है, आपको शोक है, इसी में तो आपको आपके ऊपर है कि आप किस तरह की भावना कब ला रहे हैं। क्रोध आपको क्रोध करने के कैसा माध्यम है, कुछ लोग होते हैं कि क्रोध करने में कपकपाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि स्थिर होकर काफी अंदर ही अंदर क्रोध करते हैं और जब समय मिलता है तो बदला ले लेते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो ओवरऑल कहने का इसका यही मतलब है कि कविता के माध्यम से लोग नेचर, जैसे नेचर मतलब प्राकृतिक और मनुष्य में कैसे संबंध स्थापित करे, क्रोध आदि ईर्ष्या को कैसे विकृत कर में खत्म कर सकता है ये। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसे निम्नलिखित प्रश्नों को बहुविकल्पीय उत्तर में सही उत्तर बताएं।
कविता के प्रखर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता के निबंध कौन ने लिखा है, जो निबंध लिखा गया इसका लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। कविता की परख किस प्रकार का निबंध है, पूछ सकता है कि कविता के परख किस प्रकार का निबंध है, तो ये कौन है, तो गवेड़, जो ये जो निबंध है वो विचारात्मक निबंध है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें विचार कर कर आपका विचार क्या कर रहा है, वो विचार किए कविता को रामचंद्र, जो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो किस प्रकार की कविता लिखे, तो विचार कर कर आपको सोच समझ कर जो कविता लिखा गया वो किस प्रकार का निबंध है, तो विचारात्मक निबंध है। उन्हें सोचा कि इस पर भी एक कविता लिखा जाए। कविता के परख से विवेचित हुआ है, कविता के परख से क्या विवेचित हुआ है, तो कविता का उद्देश्य कल्पना का महत्व, भाव विभक्ति संबंधित तत्व, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कविता के परख से ही विवेचित हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है कि उपयुक्त अपमान का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि यह, क्योंकि वह जो भी अपमान करता है उसका क्या होता है, यहाँ पर अपमान नहीं है, उपमान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, उपमान का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि वह क्या, कविता के उद्देश्य के अनुरूप है, वह प्रभाव की समानता को दर्शाता है, मतलब वो जो कविता के अनुरूप भी है और वो प्रभाव के समानता को भी दर्शाता है, इनमें से दोनों हो जाएगा, जो कि उपमान के प्रयोग के अनिवार्य है। यहां पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो क्या थे, तो एक निबंधकार थे, वो क्या थे, निबंधकार थे, और कविता ये भी, कविता की परख भी ये क्या है, निबंध ही है, ये भी याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल की कविता की परख निबंध किस कृति से लिया गया है, आखिर ये किस कृति से लिया है, तो गोस्वामी तुलसीदास के कृति से लिया गया है। गोस्वामी किसके, तो तुलसीदास की कृति से लिया गया है। ठीक, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, तो आप इसमें बार ऊपर ही क्वेश्चन बताए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा का समर्थक आलोचक थे, किस भाषा के आलोचक थे, तो हिंदी भाषा के समर्थ क्या थे, यहाँ पर समर्थ आलोचक से समर्थ मैंने विद्वान आलोचक थे, ठीक, हिंदी भाषा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं देगा, बट रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ सकता है। आचार्य शुक्ल क्या थे, आचार्य शुक्ल क्या थे, एक प्राध्यापक थे, एक स्कूल में प्राध्यापक थे ये, ठीक, तो ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आचार्य शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो जो आचार्य शुक्ल जी है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती में हुआ था। बस्ती कहाँ स्थित है, तो बस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आचार्य शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती में हुआ था, ये याद रखिएगा आप। आचार्य शुक्ल के गांव का क्या नाम है, ठीक, आचार्य शुक्ल के जो गांव के नाम था, गांव का नाम पूछ देता है, तो इनका क्या नाम है, तो अगोना नाम था, क्या था, तो अगोना नाम था, ठीक, ये है। अब आगे क्वेश्चन जो है, आचार्य शुक्ल का जन्म किस सन में हुआ था, जो आचार्य शुक्ल का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1884 में हुआ था, और 1885 में भी याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक, 1885 में हुरुम द्वारा। आचार्य शुक्ल का निधन कब हुआ था, तो आचार्य शुक्ल का निधन 2 फरवरी 1941 को हुआ था। आचार्य शुक्ल किस विषय के विज्ञाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, कौन विभाग के अध्यक्ष थे इसमें से, तो हिंदी विभाग के थे, और हिंदी के महान ये, ठीक, निबंधकार थे, ठीक। आचार्य शुक्ल की कौन सी काव्य कृति है, आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी मधुस्रोत जो है इनका काव्य कृति है, मधुस्रोत क्या, इनका काव्य कृति है। आचार्य शुक्ल ने किस कृति का अनुवाद किया है, जो आचार्य शुक्ल जी है वो किस कृति का है, तो बुद्धचरित का ये अनुवाद किए हैं, ठीक, बुद्धचरित का अनुवाद किए हैं। 17 क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल किस युग के आलोचक है, तो ये आधुनिक युग के बहुत बड़े आलोचक हैं, ये भी याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने किस पत्रिका संपादन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका, नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का ये संपादन किया था, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत काफी क्वेश्चन मैं आपको करा दिया, अब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो क्वेश्चन कर आइएगा ना, वहाँ पर बहुत ही इजी होता है, हिंदी जो आएगा इतना मत डरिएगा, आपको ऐसे ही दे देगा, मात्र इसमें से 2 क्वेश्चन हार्ड होता है, वो जो क्वेश्चन होता है वो इनका कवि का नाम पूछ देता है, और ये किस पार्ट से लिया गया है वो पूछ देता है। तो ऐसे कर आपको ये, अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जान रहे, कविता के निबंध के बारे में आप अगर थोड़ा इतना पढ़ लिए, तो इतना जान रहे हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इसमें से 5 क्वेश्चन जो आएगा, 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक। और ये जो निबंध था, तो कुछ आज अल्टर लगा होगा आपको, तो निबंध था आज का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।